हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी गेहूं के आटे का केक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। तो केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसके लिए बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर बनाने के लिए हमने बाउल लिया है, तो उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे दही। तो ये हमने 1/3 कप हमने दही का लिया है। चम्मच से नापेंगे तो हमारे को 3 चम्मच इसमें दही की लेनी है। और ये हमने 15 ml ऑयल लिया है। अगर आप इसको नॉर्मल चम्मच से नापोगे तो इसमें 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं। और ये हमने गुड़ लिया है 1/2 कप। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से, इसकी बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से चलाते हुए बिल्कुल भी इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए गुड़ की। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी केक बनेगा आप इस तरीके से बनाओगे तो। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे आटा। तो हमने गेहूं का बिल्कुल नॉर्मल आटा लिए हैं। तो इसको हम अच्छे से छान के लेंगे। तो इसमें 1.5 कप हम इसमें आटा के ऐड करेंगे। तो हमने 1 कप छान लिए, ये हमने 1/2 कप फोड़ लिया है। तो इसको हम दोनों को अच्छे से छान के अच्छे से इसको निकाल लेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे, हमने 1/2 टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा लिया है और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है। तो इसको भी अच्छे से छान लेंगे। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप इसमें इनो भी ऐड कर सकते हैं 1 पैकेट। तो ये देखिए अच्छे से छन चुके हैं। अब इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स करते हुए। तो ये हमने 1 ग्लास दूध का लिया है। तो इस तरीके से हम बैटर तैयार कर लेंगे। एक साथ दूध इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमारे को बैटर तैयार करना है। और अब इसमें लास्ट में जो दूध बचा है उसमें हम इसमें बॉर्नविटा ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा चॉकलेटी कलर आएगा और बहुत ही हेल्दी केक बनेगा आप इस तरीके से बनाओगे तो। इसको भी हम छान के ही ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से चॉकलेटी कलर आ जाएगा इसमें। तो देखिए बैटर की हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमने टिन लिया है केक टिन, तो इसको हमने ऑयल से ग्रीस करके और बटर पेपर लगा के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए बैटर भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो ये हम इसमें काजू और बादाम लगा देते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे लग चुके हैं और ये हमने बर्तन लिए हैं, इसमें हम बेक करेंगे। पुराना हमारा नमक रखा है बहुत कई बार का यूज करा हुआ, तो इसमें इस तरीके से फैला के स्टैंड रख के इसमें हम पकाएंगे इसको। तो देखिए हमारे अच्छे से इसको 10 से 15 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दिए हैं और ये देखिए गर्म भी हो चुका है। तो चलिए अब इसमें केक टिन को रख देंगे और इसको 35 से 40 मिनट के लिए हम बिल्कुल इसको ढक के पकाएंगे। बिल्कुल भी हमारे को बीच में चेक नहीं करना है। तो ये आप देख सकते हैं 35 से 40 मिनट हो चुकी है और केक हमारा बिल्कुल पक के तैयार भी हो चुका है। तो ये देखिए बिल्कुल इसमें टूथपिक क्लीन निकल रही है, इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है केक है जो। तो चलिए अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं।
तो देखिए हम इसको डीमोल्ड कर लिए, तो जो हमने बटर पेपर लगाया इसको हम हटा देंगे। और हमारे को सिंपल तरीके से आटे का केक बनाने की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।